आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा ज्ञान गुरु। देखिए मैंने एरर की बात की थी आपको, इस वीडियो में मैं एरर बताऊंगा, ठीक है, कि क्या होती है। देखो जीरो एरो या जीरो एरर यानी शून्यांक, ठीक है, शून्यमत शून्यांक त्रुटि क्या होती है, दो टाइप की है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि और निगेटिव, ठीक है। अब जीरो और जो धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, ये क्या है आप थोड़ा समझिएगा, इसमें बड़ा आसान है इसको समझना, बच्चे अक्सर इससे कतराते हैं। देखिए आपका ये स्केल क्या होता है, जब अच्छा पिछले वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये देखिए ये पीछे जो होती है लाइन, ये गहराई नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और ये इसका ये स्क्रू है, इसका आप इस्तेमाल करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको ढंग से पूरे ये जबड़े जा जो होते हैं इनको आप चिपका दीजिए पूरा अच्छे से। अब चिपकाने के बाद जो वर्नियर स्केल है, इसका जो मेन स्केल है उसके मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने की सारी लाइनें अगर बराबर है तो आपका कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है। अगर यही आपका जो जीरो मतलब मुख वाला आगे जीरो आ जाए और जो स्केल है नीचे वर्नियर का वो पीछे ही रह जाए, ठीक है, यानी दाईं तरफ रहे, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि इसमें कैसी एरर है, पॉजिटिव एरर, ठीक है, जीरो पॉजिटिव एरर है, ठीक है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। जैसे एक फिगर से अगर मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे मान लीजिए वर्नियर का पैमाना, ठीक है, ये है जी, यहाँ पर जीरो था, ठीक है, और यहाँ पर वन था, इस तरीके से। अब आपका जब वर्नियर की बारी आई तो वर्नियर आपका यहाँ तक ही गया, ठीक है, वर्नियर का जो पैमाना था वो सिर्फ यहाँ तक ही गया, तो इतना गैप होना ही आपकी एरर दिखा रहा है। यानी आप जब नाप मेजर करेंगे उससे नापेंगे तो इतनी एक्स्ट्रा लेंथ आपको पहले से ही जोड़ के दे देगा, ठीक है ना, तो इसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर। फाइंड करने का तरीका कैसे है, बिल्कुल आसान, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहीं पे भी देख के बता सकते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, अगर जितने खाने हैं भाई, हम लोग इसका स्केल में कैसे बताते हैं, जो सामने मैच खाया, तो मान लीजिए जैसे एग्जांपल में अगर थर्ड नंबर पे मैच खाया, कितने पे, थर्ड नंबर पे खाया, टू नंबर पे खाया, जिस पे भी खाया, मान लीजिए टू ही नंबर पे लेते हैं, इजी लेते हैं। अब जो हमारा हमको मालूम है इसका लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट 0.01 mm सेंटीमीटर, ध्यान में 0.1 mm 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें अगर हमको पता चला कि इसके कितने सामने मैच खाए, तीन, तो मान लीजिए तीन किया तो इसका कितना होगा 0.03 सेंटीमीटर, ये इसकी एरर है। और ये कैसी एरर है, पॉजिटिव एरर है, तो साइन लगाना ना, ठीक। अब हमको जो फार्मूला होता है वो क्या है, जो प्रसेशन यानी यथार्थ लंबाई अगर नापनी है किसी चीज की, तो जो हमने ऑब्जर्व की, जो हमने इसे रियल में मेजर करा वो, ठीक है, प्रेक्षित मान ऑब्जर्व वैल्यू, उसके बाद चिन्ह सहित, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव है तो निगेटिव लीजिए, और उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप पॉजिटिव लेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो इनडायरेक्ट ढंग से आप ये भी बोल सकते हो कि जितने एक्स्ट्रा लेंथ है उसको उतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा मान, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी तरीके से निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में आपका आगे निकल जाएगा, यानी कि जो आपका वर्नियर पैमाना होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, किसके, मेन स्केल के जीरो, मेन स्केल के ठीक जीरो के सामने जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पहुंच पाया पहले ही रुक गया, तो यानी राइट साइड है तो पॉजिटिव है, और अगर लेफ्ट साइड है तो निगेटिव है। अब इस निगेटिव यानी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को बिल्कुल इसी मेथड से आपको इसका लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक पता होना चाहिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का निकाल कर, और आप ये देखिए कि उसका कौन सा स्केल सामने मैच खा रहा है, मान लीजिए 2, 3, 4, तो उसी तरीके से यही सिचुएशन अगर इसके लिए हो जाती, मान लीजिए 5 ब्लॉक पे या 2 ब्लॉक पे हो जाता, तो क्या करते, 0.01 × 2, ये कितना आ जाता है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब साइन जरूर लेना पड़ेगा यहाँ पर, -0.02 सेंटीमीटर, तो आप जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, जब रियल, क्योंकि भाई इधर आ जाने का मतलब हुआ कि उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो फिर हमें उतनी ऐड करनी पड़ेगी, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत यूज होता है, इसलिए साइन लेना जरूरी होता है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी यूनिटों में या बहुत सारे क्वांटिटीज में जो है आपको राशियों में निगेटिव पॉजिटिव मिलता है, तो उसको आप छोड़िए ना, उसको समझिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जहां बहुत बारीक लेवल की अगर कैलकुलेशन होती है तो फिर वहां पे आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी पड़ती है, वहां अंदाज नहीं चलता, वहां रूल ही काम आता है।
चिन्ह सहित शून्यंक त्रुटि आपको लेनी होगी, सबट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है, प्रेक्षित मान में। और ये याद रहे कि चिन्ह सहित, इसीलिए मैंने जोर देकर लिख दिया इसमें कि साइन जो है आपका वो उसको आपको यूज करना। आई होप कि आपको शायद थोड़ी समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो इस वीडियो को फिर से एक दो बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर हो आपके पास वर्नियर आसपास उपलब्ध तो उसमें चेक कीजिए। ये साधारण वर्नियर आपको जो जो आपको सर्जिकल दुकानें होती हैं उनमें आपको मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स वगैरह के एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। आप शायद इसमें साफ दिखे स्केल, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये तो खैर नॉर्मल ही है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, मैं देख कर ही लाया था दुकान से। तो जो है आप देखते रहिए, आपको पसंद आया वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहते रहें।